इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये किला बहमनी शासनकाल के बाद दक्कनी सल्तनतों के बीच टकराव का मुख्य केंद्र रहा है। लातूर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित औसा किला की कहानी कुछ इस तरह की है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का लातूर शहर सैलानियों की एक पसंदीदा जगह है। लातूर में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिनमें से एक है उदगीर किला। उदगीर किला सन 1493 में बनवाया गया था, जो मराठा और निजाम के बीच प्रसिद्ध युद्ध और बाद में उदगीर संधि के लिए जाना जाता है। उदगीर किले के अलावा लातूर में खरोसा गुफाएं भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं खरोसा नाम के गांव में हैं, जो करीब 6वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यहाँ करीब 12 गुफाएं हैं, जिनमें नक्काशीदार पैनल देखे जा सकते हैं, जो कई कहानियां बयां करते हैं। लातूर का इतिहास बहुत पुराना है, जो संभवतः राष्ट्रकूट काल तक जाता है। समय समय पर यहाँ सातवाहन, चालुक्य, दिल्ली के सुल्तानों और दक्षिण भारत के शासक बहमनी का राज रहा था। बहमनी राजवंश की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम ने की थी, जो तुगलक के फौज के जनरल थे, जो खुद का साम्राज्य बनाने दक्षिण की ओर निकल पड़े थे। बहमनी शासकों ने दक्कन में कई स्मारक बनवाए थे, जिनमें से एक है औसा किला, जो लातूर जिले के औसा गांव में स्थित है। ये किला सभी तरफ ऊंची जमीन से घिरे एक बड़े से गड्ढे में स्थित है, जो दूर दूर से आते दुश्मनों की सेना को देखना आसान कर देता था और जिससे किले के मुख्य हिस्से छिपे रह पाते थे। इस चौकोर आकार के किले के चारों तरफ खंदकें हैं, जो अब लगभग सूख चुके हैं। औसा का जो किला है वो एक बहमनी पीरियड का किला है, और टिपिकली जो अर्ली बहमनी किले होते हैं, जिनके बुरुज काफ़ी चौड़े और नाटे होते हैं, ऐसे बुरुज है यहाँ। गोल बैस्टियंस होते हैं, स्लोपिंग साइड्स होते हैं उसके, और पत्थर से बना हुआ है, बसाल्ट से। उसका एक बहुत ही बड़ा खंडक हुआ करता था एक ज़माने में, अभी आधा खंडक भर चुका है, मगर थोड़ी जगह में अभी तक खंडक दिखता है, तो आपको आइडिया आएगी कि कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर था इसका। ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का फोर्ट है, या पॉलीगोनल शेप का आप बोल सकते हैं उसको। डबल लेयर फोर्टिफिकेशंस हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव गेटवे हैं, गेटवे के अंदर कम से कम 2 या 3 किलिंग फील्ड्स हैं, और आप जब मेन फोर्ट को आते हैं तो बहुत ही बड़ा बाजार है वहाँ लगा हुआ, जो किले के लिए और वहाँ के एरिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए बाज़ार हुआ करता था एक ज़माने में। बहुत ही बड़ी चौरस जगह है वहाँ, बहुत ही अच्छे कॉलोनेड्स हैं जिसमें लोग अलग अलग चीज़ें बेचते थे। उसके ऊपर बैल्कनी हुआ करती थी, जहाँ से जनाना की औरतें नीचे देख सकती थी उन्हें क्या खरीदना था क्या नहीं खरीदना था। अभी फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट एक भी स्ट्रक्चर नहीं बचा हुआ है औसा किले में जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बता सके। सिर्फ एक का घर है जो एंट्रेंस बैस्टियन के ऊपर है, और वो कर्नल मेडोज टेलर ने रिपेयर किया था, क्योंकि कर्नल मेडोज टेलर जब यहाँ के रेजिडेंट थे तो जब औसा के दौरे पे आते थे तो यहाँ रुका करते थे। तो वो एक ही कमरा है, एक रूम है बोल सकते हैं, जो इंटैक्ट पोजीशन में है। बाकी पूरा किला के अंदर सिर्फ खंडर ही खंडर है। एक लैंड फोर्ट है, और यहाँ ज़्यादा करके फ्लैट टेरेन है, तो बहुत दूर दूर से आप देख सकते हैं फौज आते हुए जाते हुए, और एक कंट्रोलिंग पोजीशन है मेन रोड पे वहाँ का। बहमनी काल के बाद औसा किले को लेकर दक्कन सल्तनतों के बीच टकराव होता रहा था। इस किले पर मलिक अंबर ने भी कब्जा किया है। मलिक अंबर को बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता पिता ने बेच दिया था, और वो बंधक के रूप में भारत आए थे। दक्कनी इलाके में उन्होंने 1500 सिपाहियों की एक फौज बनाई थी। मलिक अंबर अपने प्रशासनिक कौशल की वजह से अहमदनगर सल्तनत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए थे। मलिक अंबर ने शक्तिशाली मुगलों और बीजापुर के आदिल शाह को जमकर टक्कर दी थी, और निजाम शाह का रुतबा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1014 हिजरी में मलिक अंबर ने औसा किला फतेह कर इसका नाम अंबरापुर कर दिया था,
जिसे बाद में अमरपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। दक्कनी सुल्तनत के काल में जहाँ इस किले के ऊपर बड़ा संग्राम वगैरह हुआ करता था, तो 1014 हिजरी में इस किले को मलिक अंबर ने कैप्चर किया था और इसका नाम उन्होंने अंबरपुर दिया था। तो बहुत टाइम के लिए इसे अंबरपुर के नाम से भी जाना जाता था। औसा किला इसके लिए भी जाना जाता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था भामनी काल के बाद। सुल्तनत काल में बहुत सारे युद्ध हुई यहाँ, तो आदिल शाही और अहमद शाही के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें औसा बहुत बार एक तरफ से दूसरी तरफ गया हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किला था यहाँ का। यहाँ बहुत सारे तोफ पड़े हुए हैं किले के ऊपर, जैसे बहुत सारे किलों के ऊपर दिखते हैं, मगर यहाँ दो तोहफे ऐसी हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉम्बार्ड जिसे कहते हैं वैसा है, उसे फैसेटेड साइड्स है, उसके ऊपर फारसी में इंस्क्रिप्शन है औरंगज़ेब का। दूसरी जो तोहफ है वो यूरोपियन तोहफ है। उस काल में बहुत सारे आदिल शाही और अहमद शाही के जो सुल्तान थे वो उनके तोहफे पुर्तगीज से और बाद में ब्रिटिश से ख़रीदा करते थे। तो ऐसी एक तोहफ, ये अजीब तोहफ है कि ये स्पेनिश तोहफ है और उसके ऊपर स्पेनिश रॉयल क्रेस्ट भी लगा हुआ है। दुख की बात यह है कि बहुत सारी ये तोहफों को काट के लोग लेके जाते हैं इसका धातु बेचने के लिए, तो स्टेट डिपार्टमेंट जिसके ताबे में ये किला है उन्हें ऐसे पिंजरे बना के ये तोहफों के ऊपर लगाने पड़े हैं, क्योंकि नहीं तो ये तोहफों को डैमेज हो जाता है। अन्य इस्लामिक किलों की तरह औसा किले के अंदर भी एक मस्जिद और एक दरगाह हुआ करती थी, लेकिन आज इनके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। किले के अंदर एक पानी महल है। औसा किले में एक तंगसाल भी हुआ करती थी और औसा किले के नाम के कॉइन्स हमें मालूम है, न्यूमिज़मैटिक्स कलेक्ट करते हैं, और एग्जैक्टली ये तंगसाल कहाँ थी उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, और जो मेडिवल हिस्ट्री के और मेडिवल न्यूमिज़मैटिक्स में काम करते हैं उनको बहुत ही इंटरेस्ट है ये जानने में कि एग्जैक्टली वो तंगसाल कहाँ थी। बाकी इस्लामिक पीरियड के किलों के जैसे इस किले में भी एक छोटा सा मस्जिद हुआ करता था और इस मस्जिद को लग के एक दरगाह हुआ करती थी, और हमें ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये दरगाह में जो संत थे वो क्या करते थे, मगर इसे सैयद सदात के नाम से जाना जाता है और ये जो दरगाह थी वो सैयद सदात की दरगाह कहलाई जाती है। बहुत सारे जूने मंदिरों के अवशेष भी यहाँ दिखते हैं, तो जो गजथर कहते हैं मंदिर में, जो हाथी चलते हुए नीचे मंदिर के प्लेटफॉर्म में प्लिंथ में दिखे जाते हैं, उसके दो तीन स्लैब्स बहुत ही आर्टिस्टिकली लगाए गए हैं दो गेटवेज के ऊपर। आज किले के बाहर एक पुरानी जामा मस्जिद मौजूद है जो 1680 में बनवाई गई थी। मस्जिद के अंदर एक आला है जिसमें फारसी में लिखे शिलालेख हैं, जिसमें बादशाह औरंगजेब और मस्जिद बनवाने वाले सोहराब खान का उल्लेख है। इस किले के बाहर एक बहुत ही आलीशान जामा मस्जिद है जो 1680 AD में बनाया गया था। औरंगज़ेब ने भी यहाँ इस जगह में दो तीन बार दौरे दिए थे और ये मुग़ल काल में औरंगज़ेब के हाथ में था। उसके बाद ये निज़ाम शाही के पास गया जो हैदराबाद के निज़ाम थे, और फिर फाइनली ये जब इंडिपेंडेंस हुई तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। औसा किले की देखभाल आज राज्य सरकार करती है, जिसने किले के कई ध्वस्त हिस्सों की मरम्मत कर किले को संरक्षित रखने का प्रशंसनीय काम किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कंजर्वेशन किया है यहाँ किले के एंट्रेंस को, और जहाँ जहाँ किले को डैमेज हुआ था वहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, रिकंस्ट्रक्शन किया है, कहीं जगह जहाँ उसकी दीवार पड़ी हुई थी क्लियरेंस वर्क किया हुआ है वहाँ, और हर साल अंदर जो ग्रास वगैरह होता है उसका कटिंग होता है, तो इसका काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस है। काफ़ी लोकल लोग यहाँ आते हैं इस किले को देखने। ये एक सचमुच में देखने लायक किला है, छोटा किला है मगर बहुत ही आश्चर्यजनक किला है, बहुत ही ब्यूटीफुल किला है, बहुत ही दिलचस्प किला है। ये किला महाराष्ट्र के अन्य किलों की तरह उतना प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है तो भव्य। हालांकि राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए काम कर रही है, लेकिन
ये अपने आप में काफी नहीं है। औसा किला कितना भव्य है ये तो यहाँ आने पर ही पता चल सकता है।